हेलो फ्रेंड्स, तो इस तपती हुई गर्मी को दूर भगाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक डिफरेंट स्टाइल के ड्रिंक की रेसिपी, जिसे पीने के बाद आप बहुत ही रिफ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। इस कंसंट्रेट को आप फ्रिज में 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका गुड ईट्स बाय हिना दीवान में। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये ले लिया है पुदीना, और पुदीने को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है और उसमें हम पुदीने को डाल देंगे अच्छे से। 2 से 3 पानी में आप इसे धो लें और उसके बाद उसे मिक्सी में डाल दें। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। तो पानी अभी ज़्यादा नहीं डालना है, 1/2 कप पानी डालें। और उसके बाद मैंने ये एक नींबू ले लिया है। नींबू का जो बाहर का पार्ट होता है उसे हम कद्दूकस करके डालेंगे, तो इससे जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है और अब हम इसे छन्नी से छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, छानने से जो इसका वेस्ट है वो अलग हो जाएगा और फ्लेवर अलग हो जाएगा। और छानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप शरबत पिए तो आपके मुंह में इस तरीके से पार्टिकल्स इसके ना आए। और मैंने इसमें 1/2 कप पानी और डाल दिया है, तो टोटल मैंने अभी तक 1 कप पानी डाला है। 1/2 कप पहले पीसते हुए डाला था और 1/2 कप अभी डाला है। और जो ये वेस्ट है इसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा इसका फ्लेवर बन गया है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो पहले मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैंने 1 कप डाला है चीनी का, और ये जो हमने फ्लेवर निकाल के रखा था वो हमने इसमें डाल देना है। और उसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने लिया है जीरा, 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च, और 1/2 चम्मच लिया है मैंने काला नमक। और इसके साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे शरबत देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप 1/2 चम्मच के करीब इसमें कलर ऐड कर दें, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम अभी हाई है, तो जब एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे लो कर देंगे। तो ये 1/2 चम्मच मैंने डाला है चाट मसाला। तो पहले जब हमने स्पाइसेस डाले थे उसी के साथ आप ये डाल सकते हैं चाट मसाला को। और इसे मैं लगातार चलाती रहूँगी। तो ये एक बॉयल आ गया है, फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो लगभग इसे 5 से 6 मिनट तक आपको पकाना है। जब इसकी चाशनी इस तरीके से होने लगे, झाग झाग सी आने लगे, तब आप समझ जाएं कि आपका ये कंसंट्रेट जो हम बना रहे हैं वो हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसको एक बार हम चेक भी कर लेंगे। तो चाशनी आपकी कोई भी तार वाली नहीं बनानी है, बस चिपचिपी जैसे ऑयल होता है स्टिकी सा, वैसा होना चाहिए। कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं चाहिए। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे अभी हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद इसमें 2 नींबू के रस ऐड कर दें। तो नींबू का रस ऐड करने से क्या होगा कि आप जब लंबे समय तक के लिए ये कंसंट्रेट रखते हैं तो उसमें चीनी नहीं जमेगी, वो कंसंट्रेट आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जैसे मार्केट में मिलता है, बिल्कुल ग्लॉसी सिल्की। और ये मैंने जार ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था गर्म पानी में, उसे सुखा लिया था, उसके बाद इसमें डाला है। और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाता है, तो ये परफेक्टली तैयार है। और अब हम बनाएंगे शरबत, हमें सर्व कैसे करना है ये हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने चिल्ड पानी डाल दिया है और 2 से 3 चम्मच शुगर के डाले हैं। तो चीनी अगर पीसी हुई आप लेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, इसलिए चीनी को मैंने पीस के रख लिया था। और ये मैंने लिए हैं चिया सीड, जिसे कि तुलसी के बीज भी कहते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको ठंडक देते हैं, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें अपने ड्रिंक में। और ये कुछ पुदीने के पत्ते हैं वो मैंने डाल दिए हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम 3 से 4 चम्मच डालेंगे ये कंसंट्रेट जो हमने बना के रखा है, उसके डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी शरबत बनके तैयार हो गया है। घर पर बनाना बहुत बहुत आसान है और बाहर के जो शरबत आते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये ज़बरदस्त बना है। तो इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो कुछ क्यूब्स आइस के हम इसमें डाल देंगे, बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड से सर्व करें, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये चिया सीड्स जो हैं वो इसमें हम थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच डाल देते हैं
और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे पुदीने के पत्ते, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे अब हम शरबत को डालेंगे। और फ्रेंड्स, इसके कंसंट्रेट को आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। और इस तपती हुई गर्मी में बाहर से कोई भी आए या खुद कभी कुछ ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग हेल्दी पीने का मन हो तो इसे आप बनाएं। और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी ड्रिंक है ये। और अनहेल्दी ड्रिंक्स की, मार्केट की जो अनहेल्दी ड्रिंक्स होती है, उनको आप कर दें बाय बाय। घर पर इस गर्मी ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें और सबको ये शरबत बहुत पसंद आएगा। और इवन लोग आपसे इस शरबत की रेसिपी ज़रूर ज़रूर पूछेंगे। बहुत ही मस्त शरबत की रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कर दिया करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।